गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर टू चल रहा है मोर एमएस एक्सेल 2013, तो इस चैप्टर को हम आधे पढ़ चुके हैं और आधा रह गया है। लगभग हमारा जो पेज नंबर दिया है 20, पेज नंबर 20 पे आ जाइए। तो पेज नंबर 20 पे दिया है हेडिंग ओरिएंटेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है यहाँ, जब हम अपनी वर्कशीट को प्रिंट करते हैं या फिर डेटा एंट्री, अगर डेटा हमारा ज़्यादा है या कम है, डेटा जो हम टाइप कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं अपनी सीट पर, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है ओरिएंटेशन। क्या होता है पेज का स्टाइल, कि आप पेज को जब प्रिंट करोगे किस फॉर्मेट में आप लेना चाहोगे। भाई पोर्ट्रेट फॉर्म हो गया आपका, ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्म ऐसे आएगा, प्रिंट आउट ऐसे लिखा रहेगा जैसे कि बुक पे लिखा हुआ है, और ऐसे प्रिंट हो जाए। एक होती है ओरिएंटेशन में हमारी लैंडस्केप, पेज ऐसे हो जाएगा और उस पर लिखा ऐसे जाएगा। तो ओरिएंटेशन होता है पेज का डायरेक्शन, पेज की क्या कंडीशन रहती है, किस टाइप से पेज हमारा वर्क करता है। दिस ऑप्शन कंटेन टू सब ऑप्शंस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये दो ऑप्शन को कंटेन करता है, वो पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप। दीज टू ऑप्शन सेट आउट वर्कशीट इन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यूज, तो जो हमारी वर्कशीट को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों व्यू में दिखा रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक। नेक्स्ट दिया हमारे पास साइज, दिस ऑप्शन अलाउड चूज ए प्रॉपर साइज ऑफ द ओवर डॉक्यूमेंट्स। तो साइज से आप समझ गए होंगे कि साइज पेपर का क्या साइज आप लेना चाहते हैं, लेटर साइज, लीगल साइज, A4, A3, A5, बहुत सारे साइज हमारे अवेलेबल रहते हैं सीट के, तो जो आप साइज चाहे वो आप ले सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। दे आर द सम प्री स्पेसिफाइड साइज गिवन, इफ वी क्लिक ऑन द साइज ऑप्शन, इफ वी क्लिक ऑन द मोर पेपर साइज ऑप्शन then sub menu a dialog box will show, and the dialog box contain the option like page margin, header, footer and sheet। तो पेज साइज जो है आपको देता है पेज का साइज, जिसमें आपका नॉर्मल तो होता ही है जो हमारा पोर्ट्रेट में चलता है। उसके बाद बात करें हम A4 हो जाएगा आपका, A3 है, लेटर साइज है, तो बहुत सारे साइज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जिस साइज को आप चाहे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रिंट एरिया, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये प्रिंट एरिया हमारा मार्जिन के साथ वर्क कैसे वर्क करता है, प्रिंट एरिया मार्जिन के साथ। तो देखिए कहा क्या है प्रिंट एरिया, सपोज दैट मेरे पास ये एक वर्कशीट, ठीक है भाई, ये मेरे पास एक वर्कशीट है और मैंने इसमें डेटा की एंट्री की 3, 4, 5, 9, 10, 12, 10, 4, 6, 2, N, P, O, E, U। तो देखिए मैंने इस तरह से अपना जो एक्सेल है उसमें सेल्स होती है, अलग अलग सेल अलग अलग एंट्री की है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि बात हो रही है पेज प्रिंट एरिया की, तो जो सपोज दैट मुझे केवल दो रो ही प्रिंट करनी है, केवल टू रोज प्रिंट करनी है, फर्स्ट और सेकंड, बाकी कॉलम्स मिनट माफी जाएंगे। तो मुझे केवल दो रो प्रिंट करनी है, ये वाली और ये वाली,
अब मैं पेज लेआउट टैब, क्योंकि हम इस चैप्टर में मोर ऑन एमएस एक्सेल 2010 पेज लेआउट टैब को ही मोस्टली पढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, इन दो रो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे तीसरी रो तो प्रिंट करनी नहीं है, फोर्थ वाली रो भी है, इधर कॉलम्स हैं, सपोज दैट मैं चाहता हूँ कॉलम्स भी मुझे यहाँ से प्रिंट करने, बाकी दो नहीं करने हैं, तीन तीन कॉलम करने हैं, एक दो तीन, और ये दो रो करनी है, तो ये दो रो करना है, बाकी में भी डेटा है लेकिन मुझे वो टाइप नहीं, मुझे वो प्रिंट नहीं करना है, तो क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब में हम चले जाएंगे, उसमें हो जाएगा हमारा सेट प्रिंट एरिया, ठीक है भाई, सेट प्रिंट एरिया वो ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप माउस से सिलेक्ट कर लेंगे पहले, जैसे कि मुझे यहां से यहां तक करना, तो इतने को मैंने सिलेक्ट कर लिया, माउस से ड्रैग कर लिया, उसके बाद पेज लेआउट है सेट प्रिंट एरिया बगे, तो जब मैं प्रिंट निकालूंगा अपने पेपर पर, चाहे सीट में कितना भी डेटा है, लेकिन जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया है, जो रो और कॉलम सेलेक्ट किया है, वो ही मेरी प्रिंट आउट होगी, स्टूडेंट्स क्या होगा, जो मैंने प्रिंट एरिया में लिया है, जो मैंने सेट किया है, वो मेरा प्रिंट आउट हो जाएगा, तो ये काम होता है प्रिंट एरिया की, जितना एरिया आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट एरिया ऑप्शन के थ्रू, तो उसने बुक में भी कहा है इट सेट द एरिया ऑफ द प्रिंटेड ऑन द सीट, इफ वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन वी विल शो द टू सब मेन्यू, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया, तो जब आप प्रिंट एरिया पर क्लिक करते हैं तो उसमें आपको दो सब मेन्यू यानी कि दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक पे लिखा रहता है सेट प्रिंट एरिया, दूसरे पे लिखा रहेगा आपका क्लियर प्रिंट एरिया, तो जिसे आप चाहो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, सेट प्रिंट एरिया इट इज द सेट द एरिया विच वी वांट टू प्रिंट, सेलेक्ट द एरिया एंड देन क्लिक ऑन द सेट प्रिंट एरिया, द प्रिंट एरिया विल बी सेलेक्ट, तो सेम मेथड जो मैंने आपको बताया, माउस से सेलेक्ट कर लीजिए आप टोटल जो रोज कॉलम आप प्रिंट करना चाहते हैं और पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर प्रिंट एरिया, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू क्लियर प्रिंट एरिया विच वी हैड सेलेक्टेड अर्लियस, तो ये एरिया जो आपने सेट किया है कि ये इतना प्रिंट होना चाहिए, उसको आप हटाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप क्लियर प्रिंट एरिया की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, पेज ब्रेक, यानी कि पेज ब्रेक वो होता है, जैसे ये हमारी सीट है, अब एक्सेल में पेज तो नहीं होता है, हमारा सीट होती है जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, सपोज दैट भाई ये पार्ट एक पेज पे आ जाए, ये पार्ट दूसरे पेज पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, इनके एक पेज के चार हिस्से हो जाए, चार फोर पार्ट में डिवाइड हो जाए, या फिर टू पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो पेज ब्रेक की हेल्प से, सपोज दैट आपने एक वर्कशीट बनाई, उस वर्कशीट पर बहुत सारा डेटा आपने एंटर किया, आप चाहते हैं कि वो वर्क मैं डबल पेज पे लूँ, लेकिन प्रिंटर जब आप प्रिंट आउट ले रहे हैं उसको एक पेज पर ले रहा है, कंप्यूटर उसको एक ही पेज पर दिखा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हो, पेज ब्रेक ऑप्शन के यूज से आप एक पेज पे जो हमारा डेटा है वो आपका फोर पेज पे जा सकता है, टू पेजेस पे जा सकता है, या फिर कुछ डेटा ऐसा होता है कि लगभग हमारे पास ये रोज है, ये तो हमारी वन पेज पे आ गई,
और ये वाली नीचे वाली जो हमारी एक पेज पे नहीं आ रही है, तो आप इसे मार्जिन की हेल्प से भी ठीक कर सकते हो, जो मैंने पीछे मार्जिन आपको बताया। बाकी आप पेज ब्रेक की हेल्प से भी इसे एक पेज पर ले जा सकते हो, यानी कि आप पेज के डिवाइडेशन अगर चाहते हैं तो पेज ब्रेक से कर सकते हैं। तो डिवाइडेशन दो तरह से अवेलेबल है यहाँ पे, पहला दिया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो बुक में भी एग्जाम्पल दिखाया गया है, बुक में जिनके पास बुक है वो बुक में भी देख के इसको समझ सकता है। तो चलिए बता देते हैं पेज ब्रेक। इफ वी रिक्वायर टू प्रिंट डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्कबुक अक्रॉस सेपरेट पेज, अगर हम अलग अलग पार्ट वर्कबुक के एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट पेज ब्रेक, दे आर द टू टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक। तो यहाँ पर दो तरह के पेज ब्रेक होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पेज ब्रेक और हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक। वर्टिकल पेज ब्रेक सेपरेट कॉलम, हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक सेपरेट रो। इन द गिवन एग्जाम्पल ए हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक हैज बीन इंसर्टेड। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक लगाते हैं तो वो रो को सेपरेट करता है, कि पेज को ऐसे डिवाइड करेगा। अगर वर्टिकल लगाते हैं तो वो ऐसे डिवाइड करेगा। तो लोकेट एंड सेलेक्ट द पेज ब्रेक व्यू कमांड, द वर्कशीट विल अपेयर इन द पेज ब्रेक व्यू। तो देखिए हम पेज ब्रेक लगाएंगे कहां से, आपको जाना है पेज लेआउट टैब है, पेज लेआउट टैब में चले जाना है, या फिर आप व्यू में जा सकते हैं। व्यू में सबसे लास्ट में व्यू टैब होती है हमारी, व्यू टैब में नॉर्मल व्यू, प्रिंट व्यू, आउटलाइन व्यू, वहां पर मिलेगा आपको पेज ब्रेक प्रिंट व्यू, ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक प्रिंट व्यू। ठीक है भाई, पेज ब्रेक प्रीव्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर के आप क्लिक करेंगे पेज ब्रेक ऑप्शन पे, तो क्या होगा, आपकी जो वर्कशीट है वो ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक में आ जाएगी। आपका जो डेटा है, अगर एक पेज के लायक है तो एक पेज पे दिखाएगा, उसे लग रहा है कंप्यूटर की दो पेज पे जा रहा है तो वो दो पेज पे जाएगा, तीन पे जा रहा है तो तीन पे दिखाएगा। तो आप उसे मैनुअली एक पेज पे लाना चाहते हैं या फिर एक पेज पे उसे दो पेज पे लाना चाहते हैं, तो आप उसे पर्सनली वहां से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सेलेक्ट द रो बिलो वेयर यू वांट टू पेज ब्रेक टू द पेयर। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक बिटवीन द रोज 29 एंड 28, सेलेक्ट रो 29। सपोज दैट आप हॉरिजॉन्टली पेज ब्रेक करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि ये रो नंबर 29 है या फिर रो नंबर 5 है या फिर 7, कुछ भी है, सो दैट ये 7 है और ये हमारी 8। ठीक है भाई, हम चाहते हैं कि 8 अलग पेज पे हो जाए और 7 अलग पेज पे हो जाए, समझिए 8 के बाद की जो वर्क है वो सारा दूसरे पेज पे चल जाए और 7, 1 to 7 जो रोज है हमारी वो वन पेज पे चले। तो हम जो रो नंबर 8 है हमारी इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने से मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगी और क्या होगा, पेज लेआउट टैब में चले जाएंगे, वहां पर आपको क्लिक कर देना है पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक का ऑप्शन आपको पेज लेआउट टैब में मिलेगा। पेज ब्रेक में वर्कशीट देखना चाहते हैं तो व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू टैब में वो पेज ब्रेक में आ जाएगी वर्कशीट। लेकिन अगर ब्रेक करना चाहते हैं पेज को, तो सबसे पहले रो पे ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, वर्टिकल में कॉलम को डिवाइड करता है, यानी कि ऐसे डिवाइड होता है, वर्टिकल में आपका डिवाइड होगा ऐसे, हॉरिजॉन्टल में डिवाइड होगा ऐसे। ठीक है भाई, तो आप जाएंगे सीधा पेज लेआउट टैब में, वहां पर मिलेगा इंसर्ट पेज ब्रेक। कब होगा इंसर्ट पेज ब्रेक, जब आप जिस रो को सिलेक्ट कर लोगे उससे ऊपर की रो अलग पेज पे और जो आपने सेलेक्ट की वो वाली नीचे वाले पेज पे। तो बुक में भी दिया है, देखिए क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन, सेलेक्ट द ब्रेक्स कमांड एंड देन क्लिक इंसर्ट पेज ब्रेक, द पेज ब्रेक विल इंसर्टेड रिप्रेजेंट बाई ए डार्क ब्लू लाइन। तो आपका पेज ब्रेक यानी कि एक पेज आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो डार्क ब्लू लाइन आपको दिखा देता है कि यहाँ से पेज ब्रेक आपका लग गया है।
यानी कि डाटा आपका वन पेज और टू पेज भी लिखा हुआ था। तो ये था, वी कैन रिमूव द पेज ब्रेक यूजिंग द रिमूव पेज ब्रेक ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि पेज ब्रेक आपसे गलती से हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो रिमूव पेज ब्रेक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिमूव पेज ब्रेक पे जाके आप उस पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रीसेट ऑल द इंसर्टिंग पेज बाई रीसेट ऑल पेज ब्रेक ऑप्शन। अगर आपने बहुत सारे पेज में ब्रेक किया है, डिवाइड किया गया है अलग पार्ट में, तो आप रिमूव ऑल पेज ब्रेक, यानी कि जितने भी पेज ब्रेक लगे हैं ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे पेज ब्रेक आपके रिमूव हो जाएंगे। बैकग्राउंड, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू इंसर्ट ए पिक्चर इन द बैकग्राउंड ओवर डॉक्यूमेंट्स। देखिए बैकग्राउंड क्या है, जैसे हमारी फोटो है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड लेना है तो हम ले लेते हैं, ऐसे ही वर्कशीट जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, डेटा की एंट्री कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि वो प्लान नहीं आए, ब्लैंक नहीं आए पीछे से, उसमें कुछ ना कुछ फोटो लगी हुई है या फिर कोई कलर लगा हुआ है, तो आप बैकग्राउंड पे जा करके उसमें कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। लेंगे कैसे देखिए, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू इंसर्ट ए पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ ओवर डॉक्यूमेंट्स। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने बैकग्राउंड में, अपने पेज के बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं। क्लिक ऑन द बैकग्राउंड ऑप्शन, ए डायलॉग बॉक्स विल ओपन। सबसे पहले आप बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड ऑप्शन आप पूछोगे कहाँ मिलेगा सर, क्योंकि हम पेज लेआउट टैब पढ़ रहे हैं भाई, कितनी बार बता दिया, पेज लेआउट टैब पढ़ रहे हैं, पेज लेआउट टैब में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन बैकग्राउंड ऑप्शन, ए डायलॉग बॉक्स विल ओपन। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसमें क्या मिलेगा आपको, दिस डायलॉग बॉक्स कंटेन द टू मेथड ऑफ इंसर्टिंग पिक्चर्स इन द बैकग्राउंड। इस डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा कि आपके पास दो मेथड हैं, जिन दो मेथड्स का यूज करके आप अपने बैकग्राउंड में, पेज के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज या पिक्चर्स डाल सकते हैं। क्या है, फ्रॉम ए फाइल या फिर बिंग इमेज सर्च। फ्रॉम ए फाइल का ऑप्शन कहाँ होता है और बिग इमेज सर्च से कहाँ से इंसर्ट होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर नेक्स्ट रन कीजिए। फ्रॉम ए फाइल पढ़ने से पहले बता दे रहे हैं, आपके कंप्यूटर में जो पहले से ही फाइल पड़ी है, पहले से ही पिक्चर्स पड़ी है, उन्हें आप सिलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड में ला सकते हैं। बिग इमेज सर्च से आप इंटरनेट पे जा करके इमेज को डाउनलोड करके डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये मेथड है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, फ्रॉम ए फाइल, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू ब्राउज द फाइल ऑन ओवर कंप्यूटर एंड लोकल नेटवर्क। ये फाइल हमारे कंप्यूटर में मिल जाएगी या फिर जिस कंप्यूटर से हमारा जुड़ा हुआ है, दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उसमें मिल जाएगी। इफ वी क्लिक ब्राउज, ए डायलॉग बॉक्स विल ओपन। जैसे हम इस ऑप्शन पे जाते हैं और ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल गया है। सो ओवर लोकल डिस्क कंटेन फाइल और इमेज विच want to insert, select the pictures and click on the insert tab, the image will be inserted in the background। तो जैसे हम ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी इमेज हमारे ब्राउज में पड़ी है कंप्यूटर में, सारी हमें शो कर देते हैं फोल्डर की, तो आप उसमें से किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, वही इमेज आपकी इंसर्ट हो जाएगी। नीचे इंसर्ट का ऑप्शन रहता है, उस पर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे इंसर्ट बटन रहता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज इंसर्ट आसानी से हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दिया है हमारे बिंग इमेज सर्च। अब बिंग इमेज सर्च क्या है, इंटरनेट से अगर हमें लगता है कि हमारे कंप्यूटर में हमें कोई भी अच्छी बैकग्राउंड नहीं मिली, हम चाहते हैं कि जो डेटा हमने बनाया है उस हिसाब से हमारी बैकग्राउंड, उस हिसाब से हमारी बैकग्राउंड पिक्चर्स, तो हम इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। किस ऑप्शन से ले सकते हैं इंटरनेट की हेल्प, बिंग इमेज सर्च से। दिस ऑप्शन अलाउ अस टू सर्च द इमेज ऑन द इंटरनेट। ये ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप इमेज इंटरनेट से सर्च कीजिए। वी नीड टू एंटर द कीवर्ड्स इन द गिवन स्पेस एंड प्रेस एंटर की। ऑल द सिलेक्टेड ऑल द सर्च रिजल्ट विल कम ऑन द स्क्रीन। टाइप फ्लोर इन द बॉक्स, ऑल द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले। क्लिक ऑन द इमेज एंड क्लिक टू इंसर्ट, द इमेज विल बी इंसर्ट इन द बैकग्राउंड। तो
तो आप बिंग इमेज सर्च पर जाइए, आपके बिंग इमेज सर्च पर क्लिक करते ही वहां आपको लिखना होगा कि हम किस टाइप की इमेज सर्च कर रहे हैं, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। इसने यहाँ पर एग्जाम्पल में फ्लावर की इमेज दी है। सपोज दैट आप डेटा बना रहे हो कोरोना के ऊपर, तो आपको कोरोना की इमेज चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप कोरोना लिखोगे, उससे रिलेटेड जितनी इमेजेज हैं वो सारी आ जाएंगी। आप वहाँ पर कर देंगे इंसर्ट, तो आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो ये था मेथड आपका इमेज को बैकग्राउंड में हम कैसे इंसर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिंट टाइटल की। प्रिंट टाइटल आपको मिल जाता है पेज लेआउट टैब में, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम प्रिंट कैसे करते हैं अपनी वर्कशीट का। तो बिना बुक में पढ़े मैं बता देता हूँ, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपका वर्क पूरा हो गया है, वर्कशीट आपने पूरी तरह से तैयार कर ली है, आप उसको चाहते हैं कि अब वो फिजिकली हमारे हाथ में आ जाए, वो फिजिकली प्रिंट होकर हमारे पास आ जाए, तो करना क्या है, तो करना ये है, सबसे पहले तो आपको पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेना है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो एरिया ले लेना है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद पेज लेआउट में जाना है, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है, तो जो आपने सेलेक्ट किया है वो सेट हो जाएगा। कंट्रोल पी दबा दीजिए तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, या फिर होम टैब में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन पर होम टैब से ऊपर होता है वहां पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, उस पर दबा, तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करते हो डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाता है। वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ कॉपीज, यहां लिख देता हूं कि कितनी कॉपीज करना चाहते हैं, फिर पूछता है कौन सा पेज करना है, वन करना है, टू करना है, थ्री करना है, दिस पेज, ऑल पेज, करंट पेज, तीन ऑप्शन आते हैं, दिस पेज, ऑल पेज, करंट पेज। तो करंट पेज पे तो जो आपके स्क्रीन पर है वो दिख जाएगा कि जो स्क्रीन पे वो प्रिंट आउट हो जाए। अगर आपने कर दिया दिस पेज, तो दिस पेज में आपको भरना पड़ेगा पेज वन, पेज टू या फिर पेज थ्री, इनकी वर्कशीट होती है, ये हो गया। अगर आप फिर नीचे आते हैं कि कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं, वन टू वन, केवल एक ही पेज लिया हमने, वन टू वन, तो ये होता है प्रिंट टाइटल। ये सारे डिटेल भरने के बाद आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किया है एक्सेल में वो प्रिंट होकर आपके हाथ में आ जाए। तो ये था चैप्टर नंबर हमारा 2, जिसमें हमने सीखा कि अगर हमें अपने प्रिंट पेज को पेज लेआउट टैब के थ्रू कौन कौन चीज़ों से हम इसे बैकग्राउंड दे सकते हैं, उसमें पेज ब्रेक लगा सकते हैं, ओरिएंटेशन उसका चेंज कर सकते हैं, तो पेज लेआउट टैब में जितनी कमांड्स थी हमारी लगभग इसमें चैप्टर में हमें सब कुछ बताया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली भी वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है, सर मुझे ये प्रॉब्लम इस चैप्टर में रही है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि दोबारा से आपको बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।